पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी की मांग कर रहे विद्रोही गुट चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अब महिलाओं को आगे कर दिया है। ऐसा ही एक आत्मघाती हमला मंगलवार को कराची यूनिवर्सिटी के परिसर में हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए। मृतकों में 3 चीन की महिला प्रोफेसर बताई जा रही है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेनन ने कहा है कि यह फिदायीन हमला था, जिसे एक महिला ने अंजाम दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। संगठन ने महिला फिदायीन शारी बलोच की तस्वीर भी शेयर की है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये बलोच लिबरेशन आर्मी है क्या, जो पाकिस्तान सेना के ये सिरदर्द बन चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला एक विद्रोही गुट है, जो पाकिस्तान की सरकार पर अत्याचार का आरोप लगाते आई है। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि 2 बलूच अलगाववादी संगठन यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के कारण नई बलूच नेशनल आर्मी बनी है। इस आर्मी को पाकिस्तान से असंतुष्ट बलूच लोगों का सहयोग मिल रहा है। बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी तेजी से बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय हुआ है, जो पाकिस्तान सुरक्षा बलों के लिए बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। इस सेना ने शहरों से लेकर कबायली इलाकों तक पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाना शुरू भी कर दिया है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि नए बने बलूच नेशनल आर्मी में बलूचिस्तान की 2 सबसे बड़ी जनजाति मारी और बुगती साथ आ गए हैं। यूबीए का नेतृत्व बलूच विचारक खैरबख्श मारी के बेटे मेहरान मारी कर रहे हैं और बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व बलूच सरदार अकबर बुगती के बेटे ब्रह्मदाग बुगती कर रहे हैं। हालांकि मारी और बुगती समुदाय के लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सहित कई गुटों से भी जुड़े हुए हैं। हाल के दिनों में बलूच विद्रोहियों ने कई हमले किए हैं और वो खासकर चीनी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। करीब 8 महीने पहले बलूचिस्तान के ग्वादर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर फिदायीन हमला हो चुका है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस विद्रोही गुट की चीन से आखिरकार क्या नाराजगी। कुछ वक्त पहले बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने एक बयान जारी करके ये कहा कि उनका गठन पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बलूचों के प्रतिरोध को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान सरकार और उसके सहयोगियों यानी कि चीन के खिलाफ अपने हमलों को तेज करेंगे। चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए इस विद्रोही गुट ने अब महिलाओं को भी शामिल कर लिया है। मंगलवार को हुए हमले के बाद बलोच मिशन आर्मी ने कहा है कि चीन पाकिस्तान और बलूचिस्तान खाली करे, ऐसा नहीं होने तक हमले होते रहेंगे। ये गुट सिंध और बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निशाना बना रहा है, ताकि पाकिस्तान सरकार दबाव में आ जाए। चीन इस परियोजना पर $60 अरब खर्च कर रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस तरह के तमाम वीडियोज के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।